In this video, we will start a new chapter of business studies, chapter number 8, controlling. As you know, this is the last function of management and it is very important function because without controlling, we cannot achieve our aims or objectives. So let's start with the meaning of controlling. Controlling functions can be defined as comparison of actual performance with the planned performance. कंपैरिजन का मतलब क्या होता है कि अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लैंड परफॉर्मेंस के साथ मेजर करना, क्योंकि जैसा कि हम प्लानिंग में करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि क्या हमारे एम हैं, क्या टारगेट हैं या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिनको हम स्टैंडर्ड की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। कंट्रोलिंग में फिर उन स्टैंडर्ड्स का कंपैरिजन किया जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, मींस कंट्रोलिंग में हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं और कंपेयर करते हैं अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ और डेविएशंस फाइंड आउट करते हैं। डेविएशन मींस द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द स्टैंडर्ड्स, कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या रही और स्टैंडर्ड कितने थे। उन डेविएशंस को फाइंड आउट करने के बाद हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं जिससे कि उन डेविएशंस को रिमूव किया जा सके और इन फ्यूचर वो डेविएशंस दोबारा से आपके सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। तो कंट्रोलिंग फंक्शन को किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे? कंट्रोलिंग फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। इफ देयर इज एनी डिफरेंस और डेविएशन, देन फाइंडिंग द रीजन फॉर सच डिफरेंसेज एंड टेकिंग द करेक्टिव मेजर्स और एक्शंस टू स्टॉप दोज रीजंस सो दैट इन फ्यूचर देयर इज मैच बिटवीन द एक्चुअल एंड प्लान परफॉर्मेंस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ कंट्रोलिंग, और यू कैन से करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में की क्या क्या फीचर्स? फर्स्ट फीचर इज कंट्रोलिंग इज ए गोल ओरिएंटेड फंक्शन। कंट्रोलिंग इज ए गोल ओरिएंटेड फंक्शन विच इज परफॉर्म्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस टू अचीव द गोल्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं टू अटेन द ऑब्जेक्टिव्स और टू अचीव द गोल्स। कंट्रोलिंग इज इन ऑल परवेसिव फंक्शन। कंट्रोलिंग फंक्शन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स of the organization, whether it is the top level, middle level or lower level. That's why we can say controlling is whole pervasive function. And the next feature is controlling is both backward looking as well as the forward looking. Controlling में हम क्या करते हैं, हम अपनी past performance को measure करते हैं plus future के लिए हम replan करते हैं, यानी कि जो deviations आए थे उनको remove करने का हम काम करते हैं। प्लानिंग इस तरीके से करते हैं कि फ्यूचर में दोबारा से वो डेविएशन हमें फेस ना करने पड़े। तो एक तरह से कंट्रोलिंग जो है बैकवर्ड के साथ साथ फॉरवर्ड लुकिंग भी है। एंड द लास्ट फीचर इज कंट्रोलिंग इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन विच इज परफॉर्म्ड ऑन कॉन्टिन्यूस बेसिस, यानी कि ये कोई ऐसा टास्क नहीं है जिसको एक सिंगल टाइम में हम परफॉर्म करें और दोबारा इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम कॉन्टिन्यूस बेसिस पर परफॉर्म करते हैं टाइम टू टाइम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस है या कंट्रोलिंग एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों जरूरी है? फर्स्ट इज हेल्प्स इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कंट्रोलिंग जो है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करती है। अगर प्रॉपर कंट्रोल हमारा होगा ऑर्गेनाइजेशन में तभी हम गोल्स को अचीव कर पाएंगे। अगर हमारा कंट्रोल नहीं है, इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं है, तो गोल्स को अचीव करना डिफिकल्ट होगा। सेकेंड, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। कंट्रोलिंग जो है स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी को जज करने में भी हेल्प करती है, यानी कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए क्या वो एक्यूरेट थे। कई बार बाय चांस ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि स्टैंडर्ड ही एक्यूरेट आपने सेट नहीं किए, दैट्स वाई जो है आप टारगेट या एम को अचीव नहीं कर पाए। तो कंट्रोलिंग की हेल्प से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारे जो स्टैंडर्ड थे वो एक्यूरेट थे या नहीं थे, या उनमें कोई भी चेंजेज करने की ज़रूरत है या नहीं। Making efficient usage of resources. With the help of controlling, we can make the optimum utilization of resources. हम resources का अच्छे से use कर सकते हैं, चाहे मैन पावर है, material resource है, physical resource है, हम किसी भी चीज़ को waste नहीं जाने देंगे with the help of controlling. क्योंकि अगर proper control होगा ना तो हमारी मैन पावर वेस्ट होगी, ना material waste होगा, ना electricity waste होगी, जो unnecessary cost हमें wastage की वजह से bear करनी पड़ती थी वो हमें बियर नहीं करनी पड़ेगी और हमारे एक्सपेंडिचर जो हैं वो कम होंगे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूविंग एम्प्लॉई मोटिवेशन। कंट्रोलिंग ऑल्सो हेल्प्स इन द इम्प्रूविंग द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज और गिव द मोटिवेशन टू द एम्प्लॉयज। कंट्रोलिंग में हम एम्प्लॉयज की एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं और मान लीजिए कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट भी किया जाता है,
उसकी प्रेज की जाती है, तो उससे क्या होता है, एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलता है और फुल डेडिकेशन और डिवोशन के साथ वो काम करता है। एनश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, प्लानिंग एनश्योर्स द ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ऑर्डर मीन्स जो हमने एक हेनरी शुल का प्रिंसिपल पढ़ा था कि कोई भी रिसोर्स है, चाहे वो मटेरियल रिसोर्स है या ह्यूमन रिसोर्स है, उसका एक प्रॉपर अरेंजमेंट हो पाएगा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसका एक पर्टिकुलर प्लेस होगा, वो चीज़ अच्छे से हम असेंबल कर पाएंगे और एक डिसिप्लिन भी बना रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में। एंड द लास्ट पॉइंट इज फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन एंड एक्शन। कंट्रोलिंग ऑल्सो हेल्प्स टू फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, और यू कैन से कंट्रोलिंग हेल्प्स इन मेकिंग द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। कंट्रोलिंग की हेल्प से जितने भी डिपार्टमेंट हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनमें हम एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना के रख सकते हैं। जो भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं उनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना के रखा जा सकता है, क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं सभी का टास्क जो है किसी दूसरे डिपार्टमेंट के टास्क को इफेक्ट करता है। तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अगर हम चाहते हैं डिपार्टमेंट्स के बीच में, तो कंट्रोलिंग होनी चाहिए। कंट्रोलिंग के बगैर कोऑर्डिनेशन पॉसिबल नहीं है।